आज की ब्रेकिंग न्यूज़, शाहीन अफरीदी को नया कैप्टन बनाया जा रहा है बाबर, जबकि बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया जा रहा है अफगानिस्तान के सीरीज़ के खिलाफ। मेरे हिसाब से शाहीन अफरीदी को या किसी भी बॉलर को कैप्टनसी ना दी जाए, क्योंकि बॉलर अगर कैप्टन बन जाएगा तो वो परमानेंट खेलने लग जाएगा। अगर परमानेंट खेलने लग जाएगा तो वो इंजर्ड भी हो सकता है फ्यूचर में। अभी शाहीन अफरीदी का बहुत बड़ा कैरियर भी है। मेरे हिसाब से कोई भी ऑलराउंडर हो या कोई यंगस्टर को कैप्टनसी दी जाए या शादाब को कैप्टनसी दी जाए, वो ऑलराउंडर भी है तो वो ज़्यादा सही रहेगा। एक और भी न्यूज़ चल रही है कि जबकि बाबर अगर कैप्टनसी से हट गया तो वो कभी भी कैप्टन नहीं रहेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। और दूसरी ये बात है कि बाबर आजम अगर कैप्टन नहीं रहेगा तो बाबर आजम को नंबर थर्ड पे भेजें, वन डाउन एज अ ओपनर ना भेजें, जबकि बाबर आजम खुद कैप्टन होगा तो एज अ ओपनर आएगा। ये एजेंडा बाबर आजम के खिलाफ चलाई जा रही है। मेरे हिसाब से इस वक्त बाबर आजम को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, तो काइंडली बाबर आजम को सपोर्ट करें। थैंक यू। बाकी ये मेरी पहली वीडियो है तो मुश्किलात हो रही है थोड़ी बनाने में, इसलिए काइंडली प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करें।